आज से तकरीबन चार पाँच साल पहले आया था मैं। ये देख सकते त्रिशूल का निशान भी है उधर, इतना अच्छा पेड़ है, देखिए ठंडी ठंडी हवा है इसके नीचे पत्थरों के बीचों बीच। ए देख भी परशुराम का पसौड़ा। फिरता से दूजी वाली हवा चलना से गैस मोड़ डालनी। तो दोस्तों यहाँ से देख सकते आप जंगल से है रास्ता, पांडव पांच पांडव जो है ना वो है यहाँ पर, अपना विश्राम स्थान उनका यहाँ पर है पांडवों का। तो फिर बड़े बड़े पत्थर के मतलब क्या बताऊँ, देखो खुद ही ये है, देख सकते हैं दोस्तों चील के पेड़ों के बीच में आ सकते हो आप भी कभी। ये देखो जितने भी है बड़े बड़े पत्थर है, इधर आ गया एक दो तीन चार पाँच, दो है नीचे एक साइड, दो है इधर, ये है पांडव। अरे इधर था इसके भी नीचे, इस चलारू वाले पे इधर के नीचे था इधर, ये हाथ नहीं कर सकते ना मुक्के से किया। ये देख सकते त्रिशूल का निशान भी है उधर। फिर मैं अभी जलाऊंगा, इनको जलाने देते हैं पहले पत्थरों के बीचों बीच। यहाँ पर काफ़ी दिनों से कोई भी नहीं आया ना, तब भाई यहाँ पर इतना ज़्यादा गंद डाला हुआ, नीचे कर देते हैं इसको यहाँ पर साफ। पाताल लोग नहीं आ रहे, पाताल लोग तो मुश्किल होगा, पाताल के गुरु हैं पर देवता पाताल के। ये पुराने पुराने लोगों को पता क्या चीज है ना, बट हमारे लिए तो पांडव है, पांच पत्थर है लाइन टू लाइन बड़े बड़े, देखो आज ये व्यू बहुत ही बढ़िया आ रहा है। तो दोस्तों अभी कर रहे हैं अपना काम, थोड़ा सा इन्होंने भोजन लाया था प्रसाद बोले तो चढ़ा रहे हैं बढ़िया से, उसके बाद मैं चढ़ाऊँगा और फिर अपने मस्त से चलेंगे अगले वाले जगह पे। त्रिशूल भी रहा है इसमें बस, तो दोस्तों अभी हम अपना कर लेते हैं फिर चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। दोस्तों अभी हमने अपना कर लिया, अभी चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। ये लगा लिया सिर पे क्योंकि जो नंगा सिर होता ना उससे नहीं जाते मंदिर, लोकेशन नहीं बोलेंगे मंदिर बोल सकते हैं। दोस्तों ऐसा सोच लो आज हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, सीधी चढ़ाई है और नीचे को देखिए कितना नीचे को है सीधा। हाँ पहले भी आया मैं दो तीन के बहुत बार चार पांच बार, शेगड़ी स्कूल से आते थे मैं और सानू तो यहाँ पर आते थे, तीन चार बार आए थे हम स्कूल से ही, वहाँ पर लगाया उसने कांटों की रोक भी, अभी पता नहीं कैसा है। आज से तकरीबन चार पाँच साल पहले आया था मैं ट्रैकिंग के लिए, भी मस्त जगह है, रहने बन जाएंगे। मैंने बोला था आपको पहले क्योंकि मैं पहले भी आया ना तब भी ये कांटे बिछे हुए थे इधर से उधर तक, थोड़ा कम था। चलो रास्ता है जाने के लिए, ये है सबसे बेस्ट जगह है ये, देख रहे हैं सबसे बढ़िया मंदिर लाऊं जे। यहाँ पर आते लोग थोड़े दूर से दिखाता हूँ मैं पहले आपको, ये देखे इतना अच्छा पेड़ है, देखिए ठंडी ठंडी हवा है इसके नीचे। जय हो माता, ये माता है बेसिकली, और ये इतने बड़े पेड़ के नीचे इनका स्थान है, क्या ही प्यारा व्यू आता है यहाँ से, ठंडी ठंडी हवा भी आती है, व्यू भी आता बढ़िया। तो दोस्तों अभी हम भी कर लेते हैं अपनी यहाँ पर भी और फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले जगह पे। थोड़ा अंदर से दिखा लेता हूँ अभी, हम ऐसा है कुछ और कुछ नहीं है। दोस्तों अभी हमारा ऊपर भी हो चुका है और जैसे जैसे हम नए नए मंदिर जा रहे हैं मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक होती जा रही है, ये मैं ऐसे फेक नहीं बोल रहा हूँ सच में बोल रहा हूँ, थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ मैं अभी। और अभी जा रहे हैं अपने मेन मंदिर बाला कामेश्वर भगवरी के, चलो चलते हैं। सारे मंदिर यहाँ के जंगल के अंदर हैं, ये घर देखिए कितनी साल पुराना है, कोई 70 साल पुराना घर है।
70 क्या 100 साल पुराना। दोस्तों ये है वो मंदिर जो आपने बहुत पहले भी देखा है ब्लॉगों में। तो ये है देव बाला कामेश्वर भंगरुई की। दोस्तों ये पहुंच चुके अभी हम। दोस्तों तो ये है हमारे देव बाला कामेश्वर का भव्य मंदिर जो सामने से कुछ ऐसा दिखता है। घंटी बजा लेते हैं और अंदर चलते हैं बढ़िया से। यहाँ पर बहुत सारी लोग भी आ चुके हैं, आज मकर संक्रांति है इसलिए लोग आए हुए हैं। और ये है बाला कामेश्वर गुरुही और माथा टेक लेते अभी हम। जय हो। हाँ और ये है भव्य मंदिर हमारे देव बाला कामेश्वर जी का। और चलते हैं अभी हम नीचे की साइड। चले नीचे वाली साइड, देखते हैं क्या सिस्टम चला है नीचे। तो दोस्तों सभी लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं और पूछताछ हो रही है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, पर्सनल है। तो कल मेला भी है तो आपको मेला भी दिखाएंगे कल के ब्लॉग में। तो अभी चलते हैं हम खाना खाने। तो गाइज अभी हमने खाना खा लिया है, गाइज नहीं भाई लोगों, अभी हमने खाना खा लिया है। लोग देख सकते हैं कितने ज़्यादा है। और ये सामने जो ग्राउंड दिख रहा है ना वहाँ पर मेला होगा, लोग देखिए कितने ज़्यादा आ चुके हैं। जी 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 भाई क्या करना था पानी दुकान की ठीक है रेवनती है आगे तक कटिंग। ए देख भी परशुराम का पसौड़ा पसौड़ा भाई कैसे कैसे कलाकार होते हैं यार। चल कर ट्राई आ जाओ। नहीं मत कर मत कर। परशुराम का फरसा। दोस्तों बारिश लग चुकी है यहाँ पर, देख सकते हो जल्दी से मौसम बदल गया। एक पल सेकंड में कुछ सेकंडों में। तो सभी लोग यहाँ पर मंदिर में बैठ चुके हैं, बारिश लगी हुई है बार। और ये हमारी बकरी वहाँ पर है, देखिए हमसे बातें नहीं कर रही है, नाराज हुई है पता नहीं क्यों। दोस्तों बाहर देखिए मौसम कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, सारे फॉग ही फॉग हो रहा है। और हम तीनों यहाँ पर ऐसे बैठे हैं कीर्तन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। अब बारिश रुक जाएगी ना तो हम सीधा ही फिर भाग जाएंगे घर, क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है इसीलिए। बारिश रुक चुकी है, अभी हम चलते हैं बढ़िया से। चलो अभी आपको घर में मिलेंगे क्योंकि अभी मैं कैमरा ऑन नहीं करता। चलो क्या तो मैं घर में तो पहुँच चुका हूँ, बट यहाँ पर देख सकते हैं आप लीकेज हो रही है बहुत ज़्यादा पानी, बारिश के पानी की लीकेज हो रही है बहुत ज़्यादा। अब क्या बताएं। तो दोस्तों फिलहाल करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।